केंद्रीय रोडवेज बस स्टैंड पर साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का कार्य जारी। 10 जून को सरकार की गाइडलाइन आने के बाद रोडवेज बसों का संचालन हो सकता है शुरू। केंद्रीय रोडवेज बस स्टैंड को पूरी तरह से संचालित करने के लिए साफ सफाई कर सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। बसों का भी सैनिटाइजेशन कराया गया है। पूरे बस स्टैंड पर साफ सफाई की गई है। कार्यशाला में बसों को साफ सफाई कर सैनिटाइजेशन करने के बाद पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। ड्यूटी ऑफिसर रोमेश यादव ने बताया कि बस स्टैंड पर यात्रियों की आवाजाही नहीं है, इसलिए सफाई कर्मचारियों द्वारा बस स्टैंड का रखरखाव, सड़कों में हुए गड्ढों को भरा जा रहा है, पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं ताकि मानसून में पेड़ पौधे तैयार हो सकें। इसके अलावा शौचालयों की साफ सफाई कराई जा रही है और सैनिटाइजेशन कराकर तैयार किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा 10 जून को रोडवेज बसों के संचालन हेतु गाइडलाइन जारी की जा सकती है, उसके अनुरूप ही बसों का संचालन किया जा सकेगा। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। बस स्टैंड को सैनिटाइज कराया गया है ताकि अगर कभी भी सरकार के अगर आदेश आ जाते हैं संचालन को लेकर के, जैसे कि हमारे को वर्षिष्ठ बी के अंदर हमारे को लिखे गए 10 तारीख को पृथक से अलग से रोडवेज गाइडलाइन आएगी, उसके बाद ही संचालन चालू होगा। तो उसकी पूर्णतः तैयारी हमारी बस स्टैंड की, जैसे सरकारी आदेश हमारे को मिल जाएंगे उसी तरह से हमारी बसें रोडों पर जनता की सेवा के लिए दौड़ पड़ेगी। किस तरह से तैयारियां हैं सरकार? बसों को सैनिटाइज किया गया है, बस स्टैंड को सैनिटाइज किया गया है, पूरी साफ सफाई करी गई है यहाँ पे, क्योंकि चालू हालत में रहकर के उस समय सफाई व्यवस्था जो नहीं होती थी, समय का सदुपयोग करते हुए लॉकडाउन का उसके अंदर सफाई करा दी गई पूरे बस स्टैंड के ऊपर। जहाँ भी गड्ढे थे, जहाँ भी गंदगी पसरी हुई थी, जहाँ सालों से मिट्टी जमा हुई थी, उन सब मिट्टियों को हटा करके वहाँ पे साफ सुथरी व्यवस्था कर दी गई। लैट्रिन बाथरूम, जो भी सार्वजनिक लैट्रिन बाथरूम बस स्टैंड बने हुए हैं, उनको साफ सफाई करके तैयार कर दिए गए हैं यात्रियों के लिए। पेड़ पौधे भी लगाए गए यहाँ पे, 8 पेड़ पौधे लगाए गए हैं, जहाँ से वाहनों का निकासी होती है, जगह थी, जगह का भी उपयोग किया गया, वहाँ पे पेड़ पौधे लगा दिए। बसें कहाँ गई है? बसें जो है कार्यशाला के अंदर लॉक करी हैं गाड़ियाँ। अभी किस तरह के हालात हैं यहाँ? अभी इस तरह के हालात यहाँ पे कंट्रोल रूम स्थापित, यहाँ पे 24 घंटे का आदमी, 2 आदमी की ड्यूटी लगाई रहती है यहाँ पे। अगर कोई पूछताछ करने के लिए आता है तो उसको पूर्ण रूप से जवाब दिया जाता है, कि उनको बताया जाता है कि भाई आप की 10 तारीख को गाइडलाइन आएगी, उसके बाद मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम आपको अवगत करा देंगे कि संचालन चालू हो गया है।